गुड इवनिंग। इस अधिकारियों से बात करने के दरमियान आज मैं पुनः एक अधिकारी जो कि 64th बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर का पद हासिल किया है, जिनका नाम गोल्डी कुमारी जी हैं, जिनको कि बीपीएससी 64th में एक शानदार सफलता हासिल इन्होंने की है। आपको अपनी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, अस्थाई इसके तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मेरा नाम गोल्डी है और 64th बीपीएससी में मुझे रिवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है मेरा। और सर मैं कैमूर जिले से की रहने वाली हूँ। और सर यस सर बस इतना ही परिचय देंगे? आपको अपने थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी बता दें। सर मेरे जो पढ़ाई हुई है वो बिहार से कैमूर से ही हुई है। मेरा जो 10th हुआ है सर गांधी स्मारक हाई स्कूल चांद से, और मेरा सर जो इंटरमीडिएट है वो हरदेव इंटर कॉलेज अमादपुर चंदौली से, और मेरा ग्रेजुएशन सर सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ से हुई है, जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से एफिलिएटेड। बीपीएससी में यह कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर बीपीएससी में ये मेरा पहला प्रयास था। प्रथम प्रयास, यानी प्रथम प्रयास में ही सीधे सीधे इतना सफल शानदार पद हासिल करना, बहुत मेहनत, बहुत लगन से मेहनत आप की होंगी ताकि आप इतने अच्छे पद पर प्रथम प्रयास में पहुंच गए। आपकी मेहनत, इस सफलता के लिए पुनः आपको बधाई, क्योंकि आपकी प्रथम प्रयास में ही अच्छा पद हासिल किए हैं। इस रिजल्ट आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए हैं आपके जीवन में? सबसे पहले तो रिजल्ट आने के बाद सर एक पॉजिटिव थिंग्स जो होती है और सकारात्मकता बहुत ही ज्यादा मतलब हो गई है कि नहीं आगे और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास था तो अभी तो मुझे बहुत ही मतलब कुछ करने हैं। तो मैंने 65वीं का मेंस भी लिखा है सर, 66वीं प्री भी हुआ है और आगे यूपीएससी भी देना है सर। तो इन सभी मतलब सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक अंदर से एनर्जी मिली है सर। तो और सर हमारे गांव गांव में बहुत ही खुशी है, क्योंकि सर गांव में पली जो मैं लड़की हूँ वो बीपीएससी क्वालिफाई की हूँ, तो सर मेरे गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। तो ये सर खुशी भी है कि गांव के लोग बहुत और सारे ही जितने भी रिलेटिव्स हैं सब लोग बहुत ही, इस एरिया के लोग मेरी सफलता पे बहुत ज्यादा खुश प्रथम प्रयास में इतनी बड़ी हैं। सफलता, भी तो आगे बहुत कुछ बचा हुआ है और हमें उम्मीद है कि गोल्डी जी आप आगे इसी तरह का हमसे बार बार जब भी मिलेंगे, एक नए पोस्ट पे एक नए गोल्डी जी से मिलेंगे। हो सके आज बिहार में हैं, किसी अंचल में, कल डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगी, हो सके कल यूपीएससी उसके आगे है, यूपीएससी के पद पे जाएंगी, इसी रूप में मिलते रहेंगे। बहुत आपके लिए अभी समय है, सब कुछ है। ये आपका जो पद है रेवेन्यू ऑफिसर, इससे बिहार में सीधे सीधे सीओ का पोस्ट आजकल मिल रहा है जहां तक जान रहे हैं, और अब सीधे सीधा आपका जनता से जुड़ाव रहेगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप नए बिहार के निर्माण में, यानी कि बिहार का सपना जो है, किस तरह के बिहार के निर्माण के सपना आप देखती हैं? सर मैं एक उज्जवल भविष्य बिहार के सपने को देखती हूँ, जहाँ पे सर यहाँ पे सभी जो आधारभूत समस्याएं हैं सभी का निवारण हो, और सर अवसंरचनात्मक विकास, शिक्षा दर सर यहाँ की, और जो भी है स्वास्थ्य में, शिक्षा में सर जो रैंकिंग है, जो ऑल इंडिया रैंकिंग है उसमें जो पिछड़ापन है सर, मैं चाहती हूँ कि सभी को दूर करके एक विकसित, और क्योंकि सर कार्यक्रम तो स्टार्ट हो गए हैं, विकसित बिहार के सारे कार्यक्रम लगभग स्टार्ट बिल्कुल हो बिल्कुल चुके हैं, जैसे सात निश्चय योजना सर, और महिलाओं से रिलेटेड इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं सर जो कि अन्य राज्यों में हम देखने को नहीं मिलते हैं। तो सर हम चाहते हैं कि सर बिहार भी भूमि सुधार जो समस्या है एक उसका भी निवारण हो, और आम लोग की जो समस्याएं हैं वो ग्राउंड स्तर पे सर सभी समस्याओं का समाधान हो और बिहार बहुत ही आगे जाए। तो भूमि सुधार अभी बिहार की मतलब मेजर समस्याओं में से एक समस्या है, जिसमें कि बिहार सरकार के द्वारा से इस हाल फिलहाल में एक योजना भी चलाई गई है, जिसके तहत अभी बहुत सारे भूमि के, लैंड के जो जितने सारे कागजात होते हैं उनको जो है सीधे सीधे वेबसाइट पे डाला जाएगा। बिहार सरकार को भी बता रहे हैं, आम जनता को भी बता रहेगा, जो कि पहले दिक्कत होती थी
कि छोटे छोटे कागज नहीं मिलते, जिससे कि आम जन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान, उनको कम करने के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार इस पर, इस चीज के लिए बहुत ही संघर्षशील कदम उठाई है, और उसी पे आगे चलकर आप लोग को भी काम करना है और उसी में अपना योगदान बिल्कुल निर्वहन करना है। तो गोल्डी जी, बिल्कुल आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये बीपीएससी की तैयारी करने का निर्णय कब और किस परिस्थिति में लिया, क्यों? मतलब क्या आपके जीवन में ऐसा आया, कुछ देखे कि आपने एकाएक बीपीएससी में या सिविल सर्विस में आने का निर्णय ले लिया? सर। मैंने जो निर्णय लिया वो सर ग्रेजुएशन के बाद लिया था। मेरा ग्रेजुएशन 2017-18 में कंप्लीट हुआ था, तो जस्ट उसके बाद ही लिया था। शुरू में तो सर मेरा ये था कि मैं सर ग्रेजुएशन के बाद टीचर ट्रेनिंग कर रही थी, अच्छा, मैंने टीचर ट्रेनिंग भी ली हुई है। तो था कि नहीं एक कोई मतलब चूंकि जॉब सिक्योरिटी जरूरी है, और लेकिन सर बचपन से भी एक था कि नहीं अपने देश के लिए अपने राज्य के लिए बहुत कुछ करना है, तो इसलिए प्रयास जारी था सर। पढ़ाई का जो सिलसिला था वो मतलब चल रहा था। तो सर मुझे बीपीएससी का पेपर मिला था, मेरे दी इस एग्जाम को दी हुई थी, तो मैंने इस पेपर को देखा और मुझे काफी अच्छा लगा कि नहीं बहुत ही अच्छा पेपर है और मैं इसे जरूर क्वालिफाई कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहीं से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। 2018 मिड 2018 में स्टार्ट की थी और सर दिसंबर में इसका प्री हुआ था, और मेरे काफी अच्छे प्री में, और उसके बाद मैंने प्री क्वालिफाई किया। फिर प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी की, और मेंस की तैयारी के बाद सर इंटरव्यू, क्योंकि इस दौरान सर 3 साल बीत चुके हैं तो सर धैर्य बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी यानी किसी भी जॉब में आपको धैर्य की बहुत ज्यादा, उसकी ज्यादा, जितने ज्यादा धैर्यवान रहेंगे सफलता उतनी ही जल्दी और उतना अच्छा एक पद आपको मिलेगा। आपका अपना धैर्य खोना नहीं है, किसी भी परिस्थिति चाहे सुख हो या दुख, सब दिन एक समान रहें, अपने आप को एक तरह समान तरीके से अपने आप को ढालते रहें, ना दुख में एग्जैक्टली घबराना है ना ज्यादा खुशी में ज्यादा इंजॉय करना है। बिल्कुल आप सर तैयारी की रणनीति, इसमें इसमें सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है, सीधे 17-18 ग्रेजुएशन, 21 में सीधे सीधे सीईओ बनना, एकदम से ग्रेजुएशन से उठ के सीधे बीपीएससी का पीटी देना, उसके बाद सीधे मेंस लिखना और इंटरव्यू देना और फिर एकाएक सफलता पा लेना। तैयारी की रणनीति जो है आपका, टाइम मैनेजमेंट में जानना चाहूंगा, और क्या क्या आपने रेफरेंसेस यूज किए थे इस पढ़ाई के दरमियान, मैं इसको थोड़ा सा डीपली जानना चाहता हूँ आपसे। सर, जो मेरी तैयारी मैंने स्टार्ट की थी सर, उस टाइम मेरे पास तो बुक्स भी नहीं थे, और मतलब बहुत सारी किसी कोई बताने वाला भी नहीं था, मतलब किस प्रकार गाइडेंस नहीं था, क्योंकि मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ जो बीपीएससी क्वालिफाई की हूँ सर। तो इस दौरान मैंने सारा कुछ जो इंटरनेट होता है, यूट्यूब होता है, उसी के माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त की। अभी के समय आपके गांव की लड़कियां आपके पास आती हैं कि दीदी आपने कैसे पढ़ा, क्या किया, हमें भी बनना, आप ही की तरह बनना है, आती हैं? ऐसे तो आप बहुत की रोल मॉडल बन गई होंगी, लेकिन आती हैं उनमें से? बिल्कुल सर 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 मुझे मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुझे सर रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, इनफैक्ट अच्छा, कैमूर में। बिल्कुल देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि आप सबसे कम उम्र की सीईओ साहिबा हो सकता है बिहार में कल आए। बिल्कुल, तो रणनीति के बारे में बताएं, क्या आपने क्या सोर्सेस यूज किए थे, किस तरह पढ़ा था आपने? सर मेरी जो रणनीति थी वो मैंने सब कुछ यूट्यूब, ऑनलाइन और गूगल से सब कुछ इकट्ठा किया था, और कुछ बुक्स भी मंगाए थे सर, जैसे कि एनसीईआरटी लुसेंट। तो प्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सर साइंस रहा है, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी साइंस में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। मैं एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले ही अपना सारा साइंस का मतलब रिविजन कर लेती थी। और सर मेरे मुझे हिस्ट्री में काफी पढ़ना पड़ा, और मैंने सारा लुसेंट्स और एनसीईआरटी को खत्म किया, और ज्योग्राफी के लिए सर एनसीईआरटी और सर महेश वर्णवाल, और इसके अलावा सर मैं ऑनलाइन ही मतलब ऑनलाइन ही मैं टेस्ट सीरीज देती थी, अच्छा, कहाँ से टेस्ट और सीरीज इसके देते अलावा हैं? सर सर टेस्ट सीरीज में यूट्यूब पे कोई कोई चैनल जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कोई ऐसे ऐसे चैनल डाले रहते थे तो मतलब उनका भी बहुत देख सारे लेती चैनल थी। आते रहते हैं। यस सर, हाँ तो वही सब देती थी सर, और इसके अलावा अपना पढ़ाई जारी रखती थी। इस तैयारी में
कोचिंग्स के क्या भूमिका होती है? आपको लगता है कि आपने कोचिंग से अगर नहीं किया तो उस वजह से आपको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ? आज रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट में हो सकता है कि अगर कोचिंग्स किए होते तो आप SDM होते या फिर रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार होते, DSP होती, तो ऐसा कुछ लगता है आपके मन में कि कहीं ना कहीं कोचिंग नहीं करने का डिसएडवांटेज कुछ हुआ है आपके इस रिजल्ट पर? सर कोचिंग की बात करें तो सर मेरा जो ऑप्शनल था वो किसी भी कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता है। मेरा ऑप्शनल था सर बॉटनी, अच्छा बॉटनी। और चूंकि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे हिंदी में बॉटनी कम से कम पढ़ाने वाला कोई टीचर भी नहीं थे और ना ही किसी प्रकार का मेटीरियल उपलब्ध था। यस सर, तो सर मेरे लिए भी एक मतलब था, चैलेंज था ही कि हिंदी में और बॉटनी से पास करना है। तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन ही सर्च किया, सारे सिलेबस निकाले और टॉपिक मतलब उसको सर्च करके नोट्स बनाया। और सर इस तरह से मैंने अपना जो 2 महीना सर मुझे मिला था, सब लोग तो बोल रहे थे कि नहीं मतलब 2 महीना इतना टाइम बहुत कम होता है और बहुत ही वास्ट होता है बॉटनी ये होता है। तो सर मुझे लगा कि नहीं मैं ऑनलाइन से कर सकती हूँ, तो मैंने सारे नोट्स खुद से बनाए थे। और इसके अलावा सर जीएस के लिए सर मैंने टेस्ट ज्वाइन किया था जहाँ पे मुझे काफी फायदा मिला था। मैंने IAS हिंदी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, IAS हिंदी टीम का टेस्ट सीरीज। तो सर उसी से मेरा आंसर राइटिंग इम्प्रूव हुआ और मुझे ये पता चला कि ग्रेजुएशन के आंसर में और BPSC के आंसर में क्या फर्क रहना चाहिए। तो सर मैं वहीं से डिफरेंशिएट कर पाए। बिल्कुल, जो आप एक ग्रेजुएशन लेवल पे आंसर लिखते हैं, आप लिख के आते हैं और उसके BPSC लेवल पे लिखते हैं, तो बहुत अंतर होता है। कि एक तरह से कहा जाए कि बचपन से जो कि ना समझ से समझदार बनने के जो क्रम होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद BPSC का जो आंसर लिखने का होता है वही वही दिखता है कि एकाएक चेंजेस आ जाते हैं। तो आपने कोचिंग से भी कुल मिला के मेंस में विस्तार नहीं किया, आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं किए, ठीक है। आस्था यस की तरफ से आपकी क्या, यानी कि आपको क्या सब योगदान मिला है, कुछ बताना चाहेंगे? सर आस्था IAS में सर इंटरव्यू में मुझे काफी योगदान मिला और शुरू में मैं कहीं भी नहीं ज्वाइन की थी तो आस्था IAS एक प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता चला तो मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे पेड कोर्स स्टार्ट थे तो सर आर कुमार सर के द्वारा काफी अच्छे गाइडेंस दिए गए थे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू, तो सर उससे काफी हेल्प मिली और अपनी तैयारी को एक नई दिशा भी मिली। यस, मैंने पूछा कि आपके सफलता में एक व्यक्ति का तो योगदान नहीं हो सकता, बहुतों का योगदान होगा, लेकिन अगर किन्हीं एक दो व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे इस यानी सफलता में, तो किनको श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता का? सर सफलता में वाकई में जो सफलता होती है सर वो आपकी सिर्फ हो नहीं सकती, उसमें सर परिवार, मित्रजन और हमारे शिक्षक, इन सभी का मार्गदर्शन और सपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी है। सर क्योंकि पढ़ाई है उसमें काफी सपोर्ट सर मेरे परिवार का रहा, तो मेरी माँ और पिताजी सर उन्होंने पढ़ाई को काफी मतलब काफी ज्यादा मायने दिया और अदर काम के पीछे सर हमारे घर जो पढ़ाई है उस पर ज्यादा बल दिया जाता है सर, तो इन्हीं के सपोर्ट के कारण ही मैं आगे और पढ़ाई कर पा रही। तो सर मेरी माँ और पिताजी का योगदान काफी अहम है और उनके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये जो आपको देख के जिनके आप रोल मॉडल बने हुए हैं, जो आपसे आपके यहाँ आके या पर्सनली नहीं मिल पाए ना आपसे संपर्क कर पाए, लेकिन फिर भी वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आप उनके लिए सब कुछ हो, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि अपने जीवन में किस तरह से इस तैयारी के लिए फैसले ले, क्या करे, क्या स्टेप अपना क्या है, उसके बारे में कुछ कहना? अपने छोटे जो आपके छोटे भाई बहन मित्र जो भी हैं आपको देख के जो तैयारी करने के लिए, उनके बारे में कुछ आपका? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि विश्वास के साथ कीजिए और मतलब एकदम कॉन्फिडेंस और फिर सर ये रहना चाहिए कि नहीं हमें कुछ करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करके और उस लक्ष्य के प्रति सर एकदम डेडिकेट होकर के मतलब डेडिकेशन के साथ कम समय में भी किया जा सकता है। धन्यवाद गोल्डी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए मिला और उम्मीद करते हैं कि बिहार में आप
आपसे हमेशा मुलाकात होते रहे, आपका मुलाकात पेपर के माध्यम से जिसे माध्यम से होते रहे कि गोल्डी जी ने ये किया, इतने ये किया, आपने अंचल में ऐसा किया, क्योंकि आप जब होते हो तो आप देखिए, आप जो बीपीएससी के जितने भी सारे ऑफिसर्स जाते हैं तो मिडिल का मध्यम का वो एक भूमिका निभाता है, जैसे कि होता है कि सबसे नीचे और सबसे ऊपर और बीच में आप हो, जनता के कड़ी को जोड़ने में, ऊपर से नीचे तक में जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका आप ही लोग की होगी। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और इसी तरह हम आपसे कभी जब भी मौका मिले आपसे संपर्क करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपके बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, नाम सर।